ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं, गाड़ियां, जहाज, हर जगह पूरे आसमान में तबाही मच रही है। अबे सिंचेन, देखा तूने कैसे इनकी लड़ाई हुई थी थैनोस और लावा गॉड की? फ्रैंकलिन भैया वो देखें, थैनोस ने लावा गॉड की क्या हालत कर दी है। ओ भाई साहब, गाइस ये देखें, थैनोस ने लावा गॉड को मार दिया है। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन वो बात तो सही है, थैनोस अभी गया कहाँ है? अबे यार सिंचेन, मुझे नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन ये जो लावा गॉड मरा नहीं है, ये हाल से बेहोश हुआ है। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन लावा गॉड का बेहोश होने का मतलब है कि आइस गॉड और सन गॉड भी आने वाले हैं, इसका मतलब? हाँ यार सिंचेन, जो भी हो, इन लोग का आपस में ही फड्डा हो गया है, और अब मुझे नहीं लगता है कि लॉस सैंटोस ज्यादा तबाह होगा, इसलिए जब सब मिलके गोस कम्युनिटी के सब आपस में मिलके लड़ेंगे तो काफी नुकसान होगा हमारे लॉस सैंटोस को। फ्रैंकलिन भैया, तो हमें क्या करना चाहिए? अब यार सिंचेन, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक इन लोग के आपस के फड्डे हो रहे हैं, तो उन्हें तो इनको इसमें फिर ये होगा जो आखिर में बचेगा, फिर हमें उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन इसका क्या होगा इसकी बॉडी का? अब यार सिंचेन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नॉर्मली तो इसकी बॉडी गायब हो जाती है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन इसकी बॉडी तो गायब ही नहीं हो रही। अबे यार सनशाइन, अब मुझे डर लग रहा है कि यार आइस गॉड भी हमला ना कर दे लॉस सैंटोस पे। फ्रैंकलिन भैया वो तो ठीक है, लेकिन थैनोस अभी गया कहाँ है इसको मारने के बाद? अबे यार सनशाइन, मुझे तो लग रहा है कि वो पहाड़ियों की साइड पे गया होगा यहाँ तो। अबे यार फ्रैंकलिन भैया, अब हम क्या करेंगे? अबे यार सनशाइन, हम लोग इधर ही इनका इंतजार करते हैं कि अब देखते हैं कि होता क्या है आगे। फ्रैंकलिन भैया, अब हम लोग थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं। फ्रैंकलिन भैया वो देखें, ओ भाई साहब, गाइस ये देखें, आइस गॉड भी आ गया, ओ माय गॉड। फ्रैंकलिन भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रैंकलिन, ये तुमने क्या किया है मेरे लावा गॉड के साथ? अबे आइस गॉड, हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो कब से खुद परेशान है कि लावा गॉड के साथ हुआ किया है, ये थैनोस ने किया है, जो भी किया है। फ्रैंकलिन भैया, कहीं ये हम ये ना समझे कि हमने किया है। मुझे पता है ये तुम लोग ने किया है। अबे नहीं भाई, हम लोग ने नहीं किया है, ये थैनोस ने किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये अभी बेहोश है, थोड़ी देर में जैसे ही होश में आए तो तुम इससे पूछ सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि थैनोस है कहाँ पे? अबे यार मुझे खुद नहीं पता कि थैनोस कहाँ पर है, मेरे ख्याल से वो उधर ही गया है पहाड़ियों की साइड पे। ऐसे हमने इसको देखा था, इन लोग की आपस में लड़ाई हुई थी तो थैनोस ने इसको बहुत बुरा मारा है। ऐसी बात है कि हाँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा थैनोस को। अब वो लॉस सैंटोस में हुकूमत करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हम तीनों के होते हुए। यहाँ पे हम टाइटंस की ही हुकूमत होगी और किसी की भी नहीं होगी। फ्रैंकलिन भैया, ये तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अबे यार छोड़ यार सिंचेन, अभी इससे लड़ने का उलझने का फायदा नहीं है, अभी थैनोस का इंतजार करते हैं, वो खुद ही इनसे लड़ेगा। अच्छा है ये लोग आपस में लड़ के मरी हैं। फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा अगर थैनोस नहीं आएगा, वरना मैं पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा और अपने भाई का बदला जरूर लूंगा, और सन गॉड को भी बोल दूंगा कि वो भी आ जाए। फ्रैंकलिन भैया, ये तो बहुत गुस्से में है, अब हमें क्या करना चाहिए? अबे यार सिंचेन कुछ नहीं करते हैं, एवेंजर्स का भी वेट करते हैं, और सुपरमैन के बच्चे को मैंने कब को बोला हुआ है, वो आ ही नहीं रहा। फ्रैंकलिन भैया वो तो खैर आ जाएगा, अभी तो उसके फिलहाल जरूरत भी नहीं है, अभी तो थैनोस का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ आइस गॉड, मुझे ढूंढ रहे थे, ये देखो मैं आ गया हूँ। तुम लोग क्या हुकूमत करोगे यहाँ पे? तुम टाइटंस में तो दम ही नहीं है, ये देखो तुम्हारे भाई लावा गॉड की क्या हालत है, ये उठ के नहीं दे रहा, ये कब से पड़ा हुआ है। ऐसी बात है थैनोस, तो तुम आ जाओ मुझसे लड़ो, तुम मुझसे भी नहीं लड़ पाओगे, सन गॉड भी आ रहा है, तुम क्या कर पाओगे अकेले? तुम टाइटंस किसी काम के नहीं हो, तुम लोग पैनी वाइज और क्रैनी की मैजिक की वजह से उछलते हो, बाकी तुम लोग कुछ भी नहीं हो। ऐसी बात है तो तुम सारे टाइटंस मिल जाओ और मैं अकेला ही लड़ लूंगा। ऐसी बात है तो तुम्हें अभी मैं बताता हूँ, अपनी तुम्हें वेदर की पावर से मारता हूँ। तुम टाइटंस के बाद वेदर की छोटी मोटी पावर्स हैं, अगर हिम्मत है तो मेरी पावर्स देखो और मुझसे लड़ो। अब क्या होगा थैनोस, ये देखो मैंने स्नो की पावर शुरू कर दी है, अब थोड़ी देर में स्नो का पूरा पहाड़ आएगा पूरे लॉस सैंटोस में, और पूरे सब लोगों समेत तुम्हें भी भेज जाएगा, भा देगा। क्या ऐसी बात है क्या? ओ भाई साहब, गाइस ये देखें, थैनोस मुझे लग रहा है कि उसके पास जा रहा है। ओ माय गॉड गाइस, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, गाइस थैनोस तो बहुत ही खतरनाक हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये आइस गॉड बच पाएगा उससे। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, आइस गॉड यहाँ से चले जाओ लावा गॉड को लेके, और ये चीज सोच लो, लॉस सैंटोस में आज के बाद सिर्फ मेरी चलेगी, ना टाइटंस की चलेगी ना एवेंजर्स की चलेगी, यहाँ पे सिर्फ मेरी चलेगी। ऐसी बात है क्या? अब तुम अगर हिम्मत है तो तुम इसे लड़के दिखाओ, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताऊँ। ऐसी बात है तो चलो फिर लड़ते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, तुम्हें भी मैं तुम्हारे भाई के बराबर में ही लिटा दूंगा। ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं, ओ माय गॉड गाइस, ये तो टाइटंस गाइस, ये तो उसको आइस गॉड को मारने आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस, ओ भाई साहब, गाइस ये देखें अचानक से क्या हुआ है। वो भाई साहब, इसके करीब जाके मौसम इतना अजीब सा हो गया है, चेंज हो गया, गाइस ये देखें। थैनोस, तुम्हें क्या लगा कि तुम सिर्फ यही कर पाओगे, तुम मुझे इतनी आराम से मार दोगे? ये देखो
धूप देखो कितनी आ गई यार जगह। ये मेरा भाई सन गॉड ऊपर से देखो क्या क्या कर रहा है, पूरा मौसम चेंज कर रहा है। ऐसी बात है तो तुम अपने भाई सन गॉड को भी बुला लो, दोनों को फिर मैं तुम्हारे भाई लावा गॉड के बराबर में ही लिटा दूंगा तुम दोनों को। ओ भाई साहब, गाइस ये देखें क्या हो रहा है, ओ माय गॉड। तुमने क्या समझा था थानोस के हम लोग बिल्कुल ही बाहर रहे हैं, ये देखो अब तुम्हारी बात तुम देखते रहो। ओ माय गॉड, अब लॉस सैंटोस में तबाही देखो। ओ भाई साहब, गाइस ये तो थानोस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ये तो खुद भाग रहा है। ओ भाई साहब, थानोस तुम कहां भाग रहे हो अब? ओ भाई साहब, गाइस ये तो मुझे लग रहा है थानोस भी भाग रहा है। ओ माय गॉड, थानोस को भी हर चीज अपनी तरफ खींच रही है। ओ माय गॉड, गाइस ये देख रहे हैं। थानोस क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? फिकर नहीं करो आइस गॉड, तुम्हारी इन बाबरों का मुझ में कुछ भी नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस तबाह होगा, जिससे ना तुम्हें फायदा है और ना ही मुझे कोई फायदा है। ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं। ओ माय गॉड, गाइस ये थानोस अकलमंदी कर रहा है कि अभी इस वक्त भाग रहा है। आइस गॉड और सन गॉड ने मुझे लग रहा है पावर मर्ज कर ली है। ओ माय गॉड, गाइस ये देख रहे हैं आप। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं गाड़ियां जहाज हर जगह पूरे आसमान में तबाही मच रही है। हां तो थानोस कैसा लगा फिर? ओ भाई साहब, गाइस इसने तो हर जगह उड़ा दी है। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, थानोस तो फुल भाग गया था। ये मैंने सिर्फ तुम्हें थानोस पूरा एक ट्रेलर दिखाया है, अगर तुमने हिम्मत है अभी भी लॉस सैंटोस में रहने की तो फिर तुम उससे लड़ो। तुम्हें क्या लगा कि मेरा भाई सन गॉड अभी क्या हल्का पड़ा हुआ है, वो आएगा तो तुम उसका अटैक नहीं कर सकते। भाई से देखें, लावा गॉड में से भी धुआं निकल रहा है, ये वापस से मुझे लग रहा है कि ये जिंदा हो रहा है। ओ माय गॉड, थानोस क्या हो गया वापस से, अब जब लावा गॉड जिंदा हो रहा है तुम क्या करोगे? ऐसी बात है क्या, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। ओ भाई साहब, गाइस थानोस को गुस्सा आ गया है। ओ माय गॉड, भाई से देखें। ओ माय गॉड, गाइस ये तो आइस गॉड के बिल्कुल करीब आ गया है। ये ले, ओ माय गॉड, ये ले, ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं आप। ओ माय गॉड, गाइस ये देख रहे हैं, ये ले, ओ भाई साहब। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारा भाई आ जाएगा इतनी आराम से? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, गाइस इसने तो ये देखें फायर रॉक्स बरसा रहा है ये तो आइस गॉड के ऊपर। आइस गॉड मैं बिल्कुल आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे बाद में नहीं बोलना जब तुम्हारा भी हाल लावा गॉड की तरह हो जाए। चलो तो तुम ट्राई कर लो अपनी, तुम थानोस, चलो फिर देखते हैं। ये ले, ओ भाई साहब, गाइस ये देखा आपने, लावा गॉड भी लेटा हुआ है। ओ माय, ये ले, ओ भाई साहब, गाइस मुझे नहीं लगता कि ये अब आइस गॉड बच पाएगा। ओ भाई साहब, ये ले आइस गॉड, मजे ले। ए, अभी तो ये बताता हूँ, ये ले। थानोस तू क्या कर रहा है, ये मेरी बॉडी जल रही है। हाँ मुझे पता है तुझे आग से ही होता है डर। ये ले, जल अब तू लाइस गॉड, अब तू भी जलेगा। ये ले, देख रहा है। ओ भाई साहब, ये ले, गाइस मुझे लगता है कि आइस गॉड की पावर जाने ही वाली है। ओ भाई साहब, थानोस तो बहुत ही खतरनाक हुआ है। देखो तुम अपनी हालत, आइस गॉड अपनी हालत भी देखो और सामने अपने भाई लावा गॉड की भी हालत देखो, कैसे लंबे लंबे पड़ गए हो। ओ भाई साहब, गाइस ये देख रहे हैं आप। ओ माय गॉड, थानोस तुम्हें नहीं छोड़ेगा मेरा भाई सन गॉड। ओ भाई साहब, ये ले, ओ माय गॉड, गाइस ये देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, गाइस इसके सर पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। ओ भाई साहब, दोनों भाई मरे हुए हैं। गाइस अब वेट करना पड़ेगा कि सन गॉड का बात है। ओ माय गॉड, गाइस अभी तो फिलहाल फाइनली ये तो यही लॉस सैंटोस का लीडर है फिलहाल तो अभी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि सन गॉड और इन दोनों की लड़ाई हो और साथ में सुपरमैन की भी एंट्री चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।